बागपत में गुरुवार का दिन एक परिवार के लिए मनहूस रहा। परिवार पर तो गमों का ऐसा पहाड़ टूटा कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर लाडले बेटे के कुचलने से मौत की खबर पहुंची तो माँ बेहोश हो गई। वहीं 6 वर्षीय आयुष को लेकर परिजनों ने ना जाने कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब परिवार के पास सिर्फ जिंदगी भर का गम रह गया। आपको बता दें कि बागपत जनपद के चांदी नगर में पांची चमरावल रोड स्थित रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में गुरुवार को सुबह मिनी बस से कुचलकर यूकेजी के छात्र आयुष की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने बस और स्कूल प्रबंधक की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं गुस्साए लोगों ने कार्यवाही के लिए चमरावल पांची मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने स्कूल को सील करा दिया। स्कूल के प्रबंधक और बस चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आयुष चमरावल निवासी किसान अरुण लाल का लाडला बेटा था और हादसे के वक्त वह अपने कक्षा में जा रहा था। चालक बस को पीछे हटा रहा था, इसी दौरान छात्र बस के नीचे आ गया। इसकी सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और अभिभावकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जाम के दौरान ग्रामीणों और परिजनों ने डीएम और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। डीएम राजकमल यादव, एसपी नीरज कुमार जौदौन समेत एसडीएम, सीओ, कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।